हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसका 6th पार्ट है, वो कर रहे हैं। लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो क्लियर है कि ये हमारे पास किस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, अभी यू अपॉन में वी को, और u अपॉन v को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अपॉन v इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटे, वी स्क्वेयर, वी को एज इट इज रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस में u को एज इट इज रखेंगे और डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए v। तो यहां से आपके पास बनेगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू वी स्केयर, आपका v है वो क्या है भाई, यहाँ पे 3 एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, ये तो हो गया वी स्केयर। वी को एज इट इज रखा तो यहाँ बन गया 3 एक्स स्केयर प्लस में 1 इंटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, u का डेरिवेटिव कर दोगे तो एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर, उसके बाद माइनस में u को एज इट इज रखना है तो एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर है वो एज इट इज रह गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव करोगे तो v आपके पास है भाई 3 एक्स स्केयर प्लस में 1। ये तो हमने यहाँ पे u अपॉन v जो क्वेश्चन ट्रूल है वो अप्लाई कर दिया। अब यहां से आगे देखिए, इसमें 3 एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर 3 एक्स स्केयर प्लस 1 एज इट इज, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले होल पे जो पावर है उस पे रूल अप्लाई होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 1 बन गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, यहाँ पे बेस है एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बन गया, 2x बन गया, माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर एज इट इज, जब आप 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 3 इंटू 2x प्लस 0, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, 6x बनेगा। ये करने के बाद यहां से आप देख पा रहे हो कि आप न्यूमरेटर से जो कॉमन ले सकते हो उसके अंदर आपके पास 2x कॉमन आ रहा है, 2x के बाद हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 की 1 पावर है वो कॉमन आ रही है, 2x कॉमन ले लिया मैंने, यहां से एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 की पावर 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में तो रह गया 2 इंटू 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 एक्स स्क्वेयर प्लस में 2। सेकेंड टर्म से यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है 2x, तो यहाँ रह गया 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 डिवाइड बाई 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, 2x इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू में आ जाएगा 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस का 3 एक्स स्क्वेयर हो गया, और माइनस का क्या बन गया, 6 बन गया, डिवाइड बाय 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो इसको आप लिख सकते हो 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू में 6 एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, 3 एक्स स्क्वेयर माइनस में 4 बन गया, डिवाइड बाई 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास था भाई क्वेश्चन नंबर जो अपना फर्स्ट है उसका 6th पार्ट है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वो भी राइट है, और ये आंसर रख लोगे तो ये भी क्या है, राइट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका फर्स्ट ही पार्ट है हमारे पास, लेट y इज इक्वल्स टू अनरूट एक्स स्क्वेयर प्लस अनरूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो होल पे रूट है, तो पहले भी आपको बताया था, फिर से याद रख सकते हो, अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स करते हैं तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स बनता है, होल पे रूट है तो 1 अपॉन में 2 और इनटू में रूट आ जाएगा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इट से बेस। तो यहाँ पे आप कर दोगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो लेफ्ट में डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, होल पे रूट लगा हुआ है तो 1 अपॉन में 2
रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। अब बेस है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव करोगे वो तो बन गया 2x प्लस में इस रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बन गया और इंटू में आ गया डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर केवल इस सेकेंड टर्म के साथ है वे। तो यहां से आप लोगों के पास क्या बनेगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर तो आएगा ही आएगा, इंटू में यहाँ पे क्या बना ध्यान दीजिए 2x प्लस में और ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का 2x बन जाएगा। अपोन में अपने पास है √ ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर है और साथ में ये 2 है, 2 से आपका ये 2 डिवाइड हो जाएगा और आपके पास यहां से इसके अंदर देख पा रहे हो सेकंड क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं भाई एलसीएम और ले सकते हैं और न्यूमरेटर से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन ले लिया साथ में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे तो 2 के साथ तो बन गया रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में यहाँ पे बन गया कितना हमारे पास 1 आ जाएगा। डिवाइड के अंदर आप देख पा रहे हो क्या आपके पास 2 इंटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर है और जो ये एलसीएम लिया है ये इंटू में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर आ जाए। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान रख के काम करोगे तो बेटे बिल्कुल इजिली आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड पार्ट है और सेकंड के सेकंड पार्ट में हमारे पास लेट y इज इक्वल्स टू √ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपोन में हमारे पास है भाई ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर है। यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप कंप्लीट के क्या लगा हुआ है रूट लग रहा है, या तो आप यहाँ पे इस रूट को 1/2 रूट में लिख लो या फिर रूट है तो होल की पावर है वो क्या है 1/2 है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और होल रेज टू द पावर ए 1/2। तो जब डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे तो इधर डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पावर वाला रूल लगेगा भाई, पहले पावर आगे आएगी उसके बाद हमारे पास जो पावर है उसमें से हम 1 लेस कर देंगे तो 1/2 -1 और इंटू में होता है डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस और डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि क्या बना हमारे पास 1/2 इंटू में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऑल रेज टू दी पावर माइनस में 1/2 बन गया इंटू में यू अपॉन वी अप्लाई हो गया तो यहाँ बन गया आपका ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर वी स्क्वेयर, वी को एज इट इज रखा इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, अब यू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x बन गया माइनस में, अब की बार ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को एज इट इज रखा तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2x बन जाएगा। यहां से पावर माइनस में है प्लस बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो आप 1/2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू दी पावर माइनस हाफ की बजाय क्या होगी प्लस हाफ होगी भी, हम मैंने बेस का रेसिप्रोकल यूज कर दी। इसमें देख पा रहे हो मैं न्यूमरेटर से अगर 2x को कॉमन ले लो तो यहाँ तो रहा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का ए स्क्वेयर हो गया और माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया, तो भाई प्लस का ए स्क्वेयर और प्लस का ही एक्स स्क्वेयर बन जाएगा हमारे पास
और डिवाइड में है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो आप देख पा रहे हो इसमें एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इसमें टू से टू डिवाइड हो गया, और इस पावर को सेपरेट करके लिखूं तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर वन अपॉन टू डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर वन अपॉन में टू इंटू में ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर बन गया डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है। तो यहाँ देख पा रहे हो कि बेस आपके पास सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट होंगी तो यहाँ से क्या करोगे, जहाँ लार्ज पावर है वहीं तो करोगे। न्यूमरेटर में वन अपॉन टू है, डिनोमिनेटर में टू है, तो लार्ज है वो डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में तो ओनली टू ए स्क्वेयर रह गया और डिनोमिनेटर में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर वन अपॉन में टू इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर टू माइनस में हाफ, और टू माइनस में हाफ है तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, थ्री अपॉन में टू आ जाएगी। इसको पावर हाफ रख लो, चाहे इस पे क्या लगा दो, रूट अप्लाई कर दो, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड है, जो कि सेकंड वाले पार्ट की तरह से ही है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को। लेट वाई इज इक्वल्स टू, अपने पास ये कह रहा है स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इनटू में क्यूब रूट, क्या है भैया, क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहां ये गलती हमें नहीं करनी है कि कहीं हम यू इंटू वी अप्लाई कर दें, यू इंटू वी अप्लाई ना करते हुए यहां हम लोगों को करना क्या है उस पर आप ध्यान दे सकते हो। y इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर हाफ, स्क्वेयर रूट है तो वन अपॉन टू पावर लिख सकते हैं, और क्यूब रूट है तो वाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू द पावर वन अपॉन में थ्री। अब देखिए इनमें से अगर हम किसी एक का b रेसिप्रोकल ले लें तो बेस सेम हो जाएगा हमारे पास, और बेस सेम हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री, इनमें से जो स्मॉल है आप उसका रेसिप्रोकल लो ताकि आपकी पावर है वो पॉजिटिव रह जाए। तो स्मॉल तो वन अपॉन टू के कंपेरिजन वन अपॉन थ्री है, तो आप क्या कर दोगे यहां से ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर वन अपॉन में टू इंटू, जब इसके बेस का रेसिप्रोकल लोगे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन अपॉन में थ्री आ जाएगा। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे इसमें ध्यान दीजिए y इज इक्वल्स टू, अब आप देख पा रहे हो कि इसका जो बेस है वो हमारे पास सेम है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में है तो रूल ये कहता है कि पावर एड हो जाएंगे, और पावर एड होंगी तो यहां से क्या बनेगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर हो गया और ऑल रेज टू दी पावर वन अपॉन टू प्लस माइनस वन अपॉन थ्री, तो माइनस होने की वजह से माइनस का वन अपॉन थ्री लिखा जाएगा। y इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अब टू और थ्री का एलसीएम लोगे तो सिक्स आ जाएगा, टू से थ्री माइनस में टू वन अपॉन में सिक्स आ गया। इसमें और इससे प्रीवियस पार्ट में केवल एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, और वो किसका है भाई, उसमें इसकी पावर वन अपॉन टू है, इसमें इसकी पावर कितनी है वन अपॉन सिक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो मैं इसका हिंट दे देता हूं, बाकी आप सोल्व कर लोगे, पावर आगे आ जाएगी वन अपॉन सिक्स, पावर में से वन लेस करोगे तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल की पावर वन अपॉन सिक्स माइनस वन लोगे तो माइनस का फाइव अपॉन सिक्स आएगा इंटू में, जब बेस का डेरिवेटिव करोगे तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर वही सेम बनेगा जो आपने ऊपर किया हुआ है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में टू एक्स आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का टू एक्स, और आगे इसको हमें सोल्व कर लेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसका क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मेन पॉइंट ये है अभी यहां तक वाई को कन्वर्ट करके लाना, ये जो बच्चा यहाँ कर गया वो इसको सोल्व करने में कामयाब है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है पार्ट नंबर फोर्थ, फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है हमसे
लेट वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में टू ए बी। या काफी बच्चे इसको यू अपॉन वी की फॉर्म की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं, जबकि ध्यान देने की जरूरत है किसका डिनोमिनेटर है, उसके अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं, एक्स की कोई टर्म ही नहीं है और वेरिएबल नहीं है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस में टू ए बी। तो ये डिवाइड वाला तो कॉन्स्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव कर देंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन गया वन अपॉन में रूट ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी। तो मैंने एज इट इज लिख दिया, कॉन्स्टेंट है भाई, केवल आपको इसका डेरिवेटिव करना है और इस पे भी ऑल पे रूट है तो क्या आएगा, वन अपॉन में टू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस में टू ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो तो टू एक्स बन गया और माइनस में टू ए एक्स है तो टू ए तो कॉन्स्टेंट एज इट इज आएगा, इन टू एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, तो इससे टू कॉमन लेके टू डिवाइड हो जाएगा, बाकी बच गया वो आंसर आ गया वे। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ पार्ट में ये कह रहा है लेट वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसे रूट पे रूट अप्लाई हो रहे हैं डेरिवेटिव आपको करना है तो यहाँ इनसाइड नहीं भाई, आउटसाइड का जो रूट है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप टू स्टेप इनसाइड की तरफ जाओगे। तो डीवाई बाई डी एक्स आपका यहाँ से बनेगा वन अपॉन में टू अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों लिख दिया पता है ना, होल पे रूट लगा हुआ था उसके नाम का वन अपॉन में टू रूट में आ गया, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स बेस। तो फर्स्ट वाले रूट के अकॉर्डिंग बेस क्या है आपके पास, फोर प्लस में रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर, केवल एक रूट ही हटेगा। तो यहां से आगे आप लिख दोगे वन अपॉन में टू रूट ऑफ फोर प्लस रूट ऑफ फोर प्लस रूट ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास बनेगा यहां से जीरो प्लस में। अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हो तो इस पे रूट लगा हुआ है और इस पे रूट लगा हुआ है तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो भाई, वन अपॉन में टू रूट ऑफ फोर प्लस रूट ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस अब की बार बेस जो है वो है फोर प्लस में रूट ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया भाई वन अपॉन में टू रूट ऑफ फोर प्लस रूट ऑफ फोर प्लस रूट ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटो में अपने पास है वन अपॉन में टू रूट ऑफ फोर प्लस रूट ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटो में अब आप इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हो भाई, फोर का करोगे तो जीरो हो गया, इस पूरे पे रूट लगा हुआ है तो प्लस में वन अपॉन में टू रूट ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, बेस है फोर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फोर का तो जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा टू एक्स बनेगा, तो इंटू में टू एक्स आ जाएगा, इस टू से ये टू डिवाइड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को तो कंप्लीट को अगर ऑब्जर्व करके लाए तो ओनली एक्स रह गया है, डिनोमिनेटर की बात करें तो 2 इंटू टू हमारे पास 4 बन जाएगा, और इंटू में अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में सेकंड वाले में बन जाएगा अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट फोर प्लस में एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही थर्ड वाले में बनेगा अंडर रूट फोर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई रूट ज्यादा इन्होंने अप्लाई कर दिए तो किसी प्रकार की हमें यहाँ कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट अपने पास हम देख पा रहे हैं, हमारे पास है भाई पार्ट नंबर सिक्स। सिक्स्थ पार्ट में है लेट वाई इज इक्वल्स टू
एक्स अपॉन में ए माइनस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। देखिए एक तो ऑप्शन ये है कि यहां आप यू अपॉन में वी अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, यहां से यू अपॉन में वी अप्लाई कर दें, वी स्क्वेयर करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा डिनोमिनेटर लेंथ ही बनेगा बस। तो यहां से अच्छा ये रहेगा कि आप रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, और डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दोगे तो ए प्लस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए प्लस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो बना एक्स इंटू ए प्लस में रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर आ गया, और डिनोमिनेटर की बात करूं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर करोगे तो रूट हटेगा, रूट हटेगा तो ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर है वो प्लस का बन गया, ये इससे डिवाइड हो गया, क्या बना एक्स इंटू में ए प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स से वन पावर लेस होगी, तो y इज इक्वल्स टू बन गया a प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में x। अप्लाई तो u अपॉन v करना है हमें, अब भी करना है, लेकिन यहाँ पे जो सुविधा हमें मिल गई वो ये मिल गई कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सिंगल x में आ गया, किस में आ गया, x में आ गया। तो जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो इसमें ध्यान दीजिए u अपॉन वी वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स को एज इट इज रखा, इंटू में जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए का तो क्या हो गया जीरो, प्लस में इस रूट वाले का भाई वन अपॉन में टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट बेस माइनस का टू एक्स, माइनस में हमारे पास बन गया ए प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज आ गया, और इंटू में एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया वन, या इसको सोल्व कर दो वो आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके लिए आप लोगों को मैं इसमें बता दूं कि हमारा जो पार्ट नंबर सेवन और एट है, क्या है भाई पार्ट नंबर सेवन एंड एट, सेम आपको यही काम करना है, क्या करना है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है पहले, और रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो भी रिजल्ट बनेगा उसका हमें क्या कर देना है डेरिवेटिव कर देना है, और इसके अंदर आपके पास बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, से आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।